है। तो देखिए, हम ग्लोव के कॉस्ट फंक्शंस को देख चुके हैं, तो अब हम फाइनली बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल की। अब देखिए, स्किप ग्राम वगैरह जो हैं वो ये विंडो लेते हैं, राइट, एक इनपुट वर्ड के साथ, एंड देन वो पूरे कॉर्पस पे चलते हैं। मान लीजिए कॉर्पस सी है, तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्किप ग्राम मॉडल है, या फिर जो अपने वर्ड टू वेक है, उसकी देखिए लगभग मॉड सी है, क्योंकि वो पूरे कॉर्पस पे चलेगा एंड देन जो भी ट्रेनिंग करेगा, राइट। हम अभी सिर्फ इस केस में बात करें, अगर देखिए हम इनपुट वर्ड और कॉन्टेक्स्ट वर्ड का जो हम कंपैरिजन करते हैं, उसको हम जो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पास करते हैं, अगर उस स्टेप उसको अगर हम वन स्टेप का माने, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉड सी है, क्योंकि वो इंक्रीजेस विद सी, कि भाई आपका जितना बड़ा कॉर्पस होगा आपके उतना ज्यादा ये इस टाइप की चीजें आप करेंगे। अगर आपके पास एक ही विंडो है, अगर आपके पास एक ही सेंटेंस है, तो आप कंपेरिजन बहुत कम करेंगे। आपके पास अगर एक कॉर्पस है, राइट, 7 to 8 बिलियन वर्ड्स का, तो आप उतनी बार करेंगे, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्लोव की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो देखिए, ग्लोव में देखिए, अगर आप सेक्शन 3.2 में जाएंगे पेपर के, तो आप इसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस पाएंगे कि आखिर इस पे ऑथर्स जो भी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं। हम उसको उतना डिटेल में नहीं लेना चाह रहे, हम सिर्फ इसमें आपको रिजल्ट्स बता देंगे कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या हैं ऑथर्स के इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी के। अब आप ये देखिए कि बहुत सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट फंक्शन है ग्लोव का, उसमें एक टर्म आती है लॉग एक्स आई जे, और देखिए आप समेशन कर रहे हैं ओवर आई एन जे, एंड आई एन जे दोनों वन से वोकैबुलरी साइज तक जाएंगे। तो बेसिकली देखिए, आपके ये जो मैट्रिक्स है ना, एक्स विच इज वर्ड को अकरेंस मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी मॉड वी हैं, नंबर ऑफ रोज भी मॉड वी हैं, तो ये देखिए आपके मॉड वी स्क्वायर ऑर्डर मॉड वी स्क्वायर तक जाएगा, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर सी एज इन केस ऑफ वर्ड टू वेक। तो ये देखिए, सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अगर वोकेबलरी स्क्वायर तक ही जाएगा तो मे बी कॉर्पस तो आपके बड़े भी हो सकते हैं, पर आप इसको ढंग से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए, जो थोड़े से भी बड़े कॉर्पस होते हैं उसमें आपकी वोकेबलरी आराम से जाती है 100K से 500K या इवन 1 मिलियन। तब आप 100K का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा 10,000 मिलियन, यानी कि 10 बिलियन। तो अगर आपकी वोकेबुलरी साइज इतनी है, तो मॉड वी स्क्वायर आपके 10 बिलियन हो जाएगा। तो अगर आपके मान लीजिए कॉर्पस अगर 6 बिलियन टोकन्स का ही है, तो उस केस में तो आपके वर्ड टू वेक की कॉम्प्लेक्सिटी जो है कम लग रही है अब। एंड अचानक से अगर मान लीजिए ये 1 मिलियन हो गया, तो अब ये तो देखिए 1 मिलियन स्क्वायर विच इज 1 ट्रिलियन, एंड इस केस में अगर मान लीजिए आपके कॉर्पस अभी भी 6 बिलियन ही है, तो ये तो 6 बिलियन ही रहेगा। लेकिन बिकॉज आपके जो वोकेबलरी साइज है वो बढ़ गई है, तो ये देखिए ग्लोव की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि ग्लोव जो है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर वोकेबलरी, एंड कॉर्पस से ऐसा सच उसका कोई लेन देना नहीं है। तो अब देखिए, हमको ये थोड़ा सा रिलेशन लाना है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो अब आप सेक्शन 3.2 पे जाएंगे, देखिए ग्लोव पेपर के, तो आप इसकी डिटेल्स पाएंगे, लेकिन हमने उन डिटेल्स को यहां पे करना जो है जरूरी नहीं समझा, वो डीप लर्निंग पर्सपेक्टिव से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगी नहीं। इसमें देखिए, जो ऑथर्स का जो फाइनल रिजल्ट है, राइट, हम एकदम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि ग्लोव में ऑथर्स ने ये फाइनल कंक्लूजन निकाला कि
जो ग्लॉव की कॉम्प्लेक्सिटी है वो है मॉड सी टू द पावर 0.8। ग्लॉव इन पर्टिकुलर उस इंस्टेंस की जो कि ऑथर्स ने यूज किया है अपने पेपर में। तो अब ये देखिए, इसमें ऑथर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लॉव की कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट इज इवन लोअर देन वर्टुएक, यानी कि वर्टुएक अगर लीनियरली इंक्रीज करती है वर्टुएक की कॉम्प्लेक्सिटी विद कॉर्पस साइज, तो ग्लोव की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियरली इंक्रीज नहीं करती है, वो सब लीनियरली इंक्रीज करती है। तो अगर आप इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करेंगे तो देखिए आप पाएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्टुवेक जो है वो ज्यादा है ग्लोव के कंपैरिजन में। तो ये वीडियो देखिए हमने बस इस इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है। एग्जैक्टली आप यहां पे कैसे पहुंचते हैं वो आप पेपर में देख सकते हैं, बट हमको रिलेवेंट नहीं लगा वो इन लेक्चर सीरीज के लिए। तो इस वीडियो में देखिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।